फाइनली हम आ गए हैं योका के आखिरी एपिसोड पर। इस एपिसोड के लिए कोई हिंट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तारीफ है। असली मज़ा आपको एपिसोड के आखिरी सीन में आने वाला है, तो एपिसोड को अंत तक प्लीज़ 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 देख लेना। ये एपिसोड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेट किया गया है और तारीफ के अलावा मेरे पास इसके लिए कुछ भी नहीं है। एपिसोड की शुरुआत होती है होतारो के घर से। सुबह सुबह एक फ़ोन कॉल होतारो को नींद से जगा देता है। हमेशा की तरह ये कॉल भी चिटांडा की तरफ से है। चिटांडा परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वो परसों फ्री है। होतारो उस दिन फ्री है और चिटांडा पूछती है कि क्या वो उसके लिए पैरासोल पकड़ना पसंद करेगा। होतारो की तरह मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ कि वो कहना क्या चाहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उनके घर के पास एक श्राइन है जहाँ पर डॉल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। पहले जो पैरासोल होल्डर था उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो उससे मदद लेना चाहती है। होतारो पूछता है हमें आखिर डॉल्स के लिए पैरासोल क्यों पकड़ना है, तो चिटांडा उसे शर्म के मारे और डॉल नहीं बोलने को कहती है। अब होतारो पूछता है कि कहीं ये लिविंग डॉल फेस्टिवल तो नहीं है ना, तो वो कहती है इसमें लड़कियों को डॉल के रूप में सजाया जाता है और मैं इसमें कई सालों से हिस्सा ले रही हूँ। होतारो निकल गया है और रास्ते में एक और बार रुककर एड्रेस को चेक करता है और अब वो फिर से निकल गया है। होतारो रास्ते में जाते वक्त एक चेरी ट्री को देखता है। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ी देर में वो चोक्यू ब्रिज पर आ गया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। होतारो एक और बार इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है कि कहीं वो गलत ब्रिज पर तो नहीं आ गया है। एड्रेस तो सही है और वो एक वर्कर से पूछता है कि क्या वो ब्रिज क्रॉस कर सकता है। वो बंदा बोलता है ज़रूर क्रॉस कर सकते हो, मगर तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि हम जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। श्राइन के एक शॉट को देखने के बाद होतारो वहाँ पहुँच गया है। वो मेन बिल्डिंग के अंदर आता है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं और होतारो अपना नाम और काम बताता है, मगर एक बूढ़ा आदमी उसे पहचान नहीं पाता है। वह बोलता है कि चिटांडा ने उसे बुलाया है, तो वो आदमी जान जाता है कि ये है वो रिप्लेसमेंट वाला लड़का और उसे अंदर आने को कहता है। होतारो हीटर के पास बैठा हुआ है और वहाँ पर जो भी बड़े लोग हैं वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उन लोगों को अभी भी बहुत सारी तैयारी करनी है और होतारो समझ गया है कि वो इतने शोर शराबे में रिलैक्स नहीं कर सकता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी आकर साके के बारे में पूछता है, तो उसे जवाब मिलता है कि उन्हें लाने में एक बज जाएंगे। ये सुनकर बूढ़े आदमी की सटक जाती है और वो साके जल्दी लाने को कहता है क्योंकि परेड 12:30 तक वापस आ जाएगी। इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है होतारो पर। होतारो अपना नाम कहता है तो वो बूढ़ा समझ जाता है कि ये है वो लड़का जिसे चिटांडा ने बुलाया है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बाहर का आदमी मदद कर रहा है, मगर फिर भी इसके लिए शुक्रिया कहता है। होतारो भी सर झुकाकर अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कहता है। ये सुनकर वो बूढ़ा कहता है लड़का बड़ा मजबूत है, जो सुनकर होतारो भी शर्मा जाता है। अगले सीन में सब चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ रेडी है। लिस्ट में जब चोक्यू ब्रिज को इस्तेमाल करने की बात आती है तो होतारो कहता है कि वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो लोग तानी मोटो जो इस चीज़ का इंचार्ज था उससे सवाल करने लगते हैं। वो कहता है कि उसने किसी और को ये काम देखने को कहा था और बताता है कि वो कन्फर्म है कि वर्कर्स को काम नहीं शुरू करने के लिए कहा गया है। अब उनका लीडर जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा है कहता है जाकर कोई ब्रिज को चेक करो कि वहाँ का हाल क्या है। वो लोग इसमें लग जाते हैं और होतारो पूछता है कि असल में बात क्या है, तो पता चलता है कि उनका प्रोसेशन चोक्यू ब्रिज से होकर जाने वाला है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कन्फर्मेशन न्यूज़ मिलेगी और जल्द ही एक आदमी आकर बोलता है कि ब्रिज पर सच में काम शुरू हो गया है। वो लोग तानिमोटो को दोष देने लगते हैं तो वो कहता है लगता है कि किसी ने गड़बड़ी की है। वैसे मुझे पता था कि किसी बाहर के आदमी ने उन्हें 2 दिन पहले काम शुरू करने को कहा था, मगर मुझे वो एक मजाक लगा था। इसके बाद उनका लीडर वहाँ का एक मैप निकाल कर कहता है जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है।
अब जल्दी से कोई और रास्ता निकालना होगा। वो लोग एक एक करके अपने ओपिनियन देते हैं कि किस रास्ते को किस तरह से कवर किया जा सकता है ताकि नदी के दोनों तरफ के लोग प्रोसेशन को देख पाएं। अब उनमें से एक लड़का बोलता है, हम टोशी ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने ओरिजिनल रास्ते से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा चलेंगे और हमारा ओरिजिनल रास्ता भी कवर हो जाएगा। ये आइडिया उन लोगों को थोड़ा सही नहीं लग रहा है। वो लोग इसे लेकर बात कर रहे हैं और एक लड़की आकर बोलती है कि होतारो नाम के लड़के को चिटांडा बुला रही है। फाइनली होतारो को थोड़ी सी शांति मिलने वाली है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब होतारो आ गया है चिटांडा के पास और चिटांडा को तैयार किया जा रहा है प्रोसेशन के लिए। होतारो कमरे में बैठा हुआ है और चिटांडा इतने फॉर्मल तरीके से बात कर रही है कि होतारो घबरा जाता है। चिटांडा पूछती है कि क्या कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उसे इतना पता है कि कुछ तो दिक्कत आ रही है। होतारो उसे कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करता है कि कंस्ट्रक्शन के कारण वो लोग चोक्यो ब्रिज के बजाय टोशी ब्रिज से होकर जाने वाले हैं और इस डिसीजन को लेकर सब थोड़े निराश लग रहे हैं। चिटांडा बात को समझ पाती है और होतारो से पूछती है कि क्या तुम उन्हें मेरा एक मैसेज दे पाओगे। होतारो हाँ कहता है और वो कहती है, उन लोगों से कहना कि मैं अपने पिता के तरफ से दूसरे श्राइन से बात करने वाली हूँ। होतारो इसका मतलब समझ नहीं पाता है और वो कहती है, तुम बस इतना बता दो और वो लोग सब समझ जाएंगे। होतारो वापस आकर ये बात बोलता है और वो सब सोच रहे हैं कि चलो अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो बूढ़ा अब चिल्लाता है और सब अपने अपने काम में लग गए हैं ताकि प्रिपरेशंस जल्दी कंप्लीट हो पाए। सब काम में लगे हुए हैं और होतारो को ऑरेंज बालों वाला लड़का उसका ड्रेस पहनने में हेल्प कर रहा है। ओरिजिनली उस लड़के को ये काम करना था, मगर ड्रेस उसे फिट नहीं हो रही है। वो लड़का बोलता है, अच्छा हुआ कि मुझे ये पैरासोल नहीं पकड़ना है, सिर्फ आज के लिए मैं घर से आया हूँ, आखिर हर रोज़ तो ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है ना। अब होतारो तैयार हो गया है, मगर वो ड्रेस उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हम श्राइन के गेट पर आ गए हैं, जहाँ पर कुछ डॉल्स आती हैं और लोग उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। होतारो भी तैयार है और ठंड के मारे कांप रहा है। एक और सुंदर डॉल निकलती है और होतारो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि वो इरिसू है। अब दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक और डॉल निकलती है, जिसे देखते ही होतारो मदहोश हो जाता है। सब स्लो मोशन में होने लगता है और चिटांडा की आंखें मिलती हैं होतारो की आंखों से। परेड शुरू होती है और होतारो चिटांडा के बगल में पैरासोल पकड़कर चल रहा है। वो सोच रहा है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ और वक्त के बाद चलते चलते वो लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पर भी होतारो सोच रहा है कि ऐसे में तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन का नियम ही टूट जाएगा। इसके बाद वो लोग एक सुंदर चेरी ट्री से गुजरने वाले हैं। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और चिटांडा जब पेड़ के नीचे आती है तो होतारो खुद को रोक नहीं पाता है। वो बस एक बार चिटांडा को सामने से देखना चाहता है और वो चिटांडा की सुंदरता में बह गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अब क्या करेगा। बगल से सातोशी आवाज़ देता है और होतारो का नशा उतर जाता है। सारा मज़ा किरकिरा हो गया यार। परेड ख़त्म हो गई है और सातोशी बोलता है कि तुम पर वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ बातों के बाद सातोशी कुछ और स्नैक्स लेने चला जाता है और मायका उसे वैलेंटाइंस डे के लिए शुक्रिया कहती है। वो पूछता है कि अब तुम दोनों के बीच सब कैसा है, तो मायका कहती है काफ़ी बढ़िया चल रहा है और वो कहता है मैं रोज़ रोज़ सातोशी पर गुस्सा नहीं करता हूँ, तो मायका कहती है उसने मुझे बताया है कि उस रात को क्या क्या हुआ था। ये सुनकर होतारो थोड़ा शर्मा जाता है। अगले सीन में होतारो की मुलाकात होती है इरिसू से। वहाँ से निकलने से पहले इरिसू पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो ब्रिज वाला कारनामा किसने किया होगा। होतारो बोलता है कि वो श्योर नहीं है और वो जाने से पहले कहती है तुम चिंता मत करो, मैं पहले की तरह कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ तुम पर, उस वक्त पर वो ज़रूरी था इसलिए वैसे करना पड़ा था। अब शाम हो गई है और सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। होतारो जल्दी वहाँ के शोर शराबे से निकल जाता है। वो बाहर बैठकर प्रकृति को निहार रहा है और उसे ढूंढते हुए चिटांडा वहाँ पर आ जाती है। चिटांडा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट के मारे वो थोड़ी सी इधर उधर की बातों के बाद पूछती है कि क्या उसे पता है कि किसने वो कंस्ट्रक्शन वालों को ग्रीन सिग्नल दिया था।
होतारो बोलता है, शायद मैं एक आदमी को अपना सस्पेक्ट मानता हूँ। चिटांडा को भी एक आदमी पर डाउट है और वो कहती है, चलो हम एक साथ पेन से उसका नाम लिखते हैं और एक दूसरे को वो दिखाएंगे। पास में पेपर नहीं होने के लिए वो दोनों अपने हाथों पर उसका नाम लिखते हैं और तीन की गिनती के बाद वो दोनों अपना हाथ खोलते हैं। अब चिटांडा बोलती है, देखा जाए तो कोनारी के बेटे के बाल भी ब्राउन कलर के हैं। होतारो कहता है, तो क्या हम दोनों एक ही बंदे की बात कर रहे हैं? वो कहती है, तुम्हें उस पर शक कैसे हुआ? तो वो कहता है, उसने मुझे ड्रेस पहनने के टाइम पर कहा था कि वो सिर्फ आज के दिन के लिए स्पेशली घर से आया है, लेकिन ये फेस्टिवल तो हर साल होता है ना। उन दोनों को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लग रही है और होतारो बोलता है, मगर इस साल एक खास घटना हुई, क्या तुम गेस कर सकती हो क्या? चिटांडा कहती है, हमने एक अलग रास्ता इस्तेमाल किया और हम एक चेरी ट्री के नीचे से गए। वो कहता है, तुमने सही कहा, एक चेरी ट्री के नीचे से ह्यूमन डॉल को गुजरते हुए देखना हर साल नहीं मिलता है। चिटांडा कहती है, ये तो बड़ा ही तुच्छ कारण हुआ, मगर होतारो सोच रहा है मैं इसे इतना अभी मामूली नहीं कहूँगा। चिटांडा ये थ्योरी सुनकर कन्विंस्ड है कि उसने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ़ देने से हिचकिचाता नहीं है और उसका सपना है एक फोटोग्राफर बनना। आज के दिन का नज़ारा शायद कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहता था। अगले सीन में होतारो अपना साइकिल लेकर निकल गया है और चिटांडा उसके साथ चल रही है। चिटांडा उससे पूछती है कि क्या तुम जानना चाहोगे कि आज मैंने क्यों दूसरे श्राइन से कॉन्टैक्ट करने के बारे में कहा? होतारो कहता है, हाँ ज़रूर, और वो बताती है कि बहुत सालों पहले ये जगह दो हिस्सों में बटी हुई थी, नॉर्थ और साउथ। ज़मीन और पानी के लिए दोनों साइड के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। उस वक्त दूसरे गांव से गुजरने के लिए परमिशन लेना बहुत दूर की बात थी और ये बात आज भी लगभग सही है। होतारो अब बात की गहराई को समझ पाता है और वो बोलती है, हर किसी के पास दूसरी तरफ बात करने का ज़रिया नहीं है, इसलिए मुझे बीच में आकर ये काम करना पड़ा। इसके बाद हम बिना दिक्कत के ब्रिज क्रॉस कर पाए। होतारो कहता है, लगता है इसलिए सातोशी तुम्हारी फैमिली की इतनी ज़्यादा इज्जत करता है। चिटांडा कहती है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। उसने सिर्फ और सिर्फ कामियामा के दो कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए एक फ़ोन कॉल किया। वो इसे एक बहुत बड़ी बात नहीं कहती है, मगर ये कोई मामूली बात भी नहीं है। होतारो उसकी बात को समझ रहा है और वो कहती है, मैं अगर कॉलेज कंप्लीट कर लेती हूँ तो भी मुझे यहीं पर आना है। अंत में जो भी हो, आखिर ये मेरा घर है और मुझे इस जगह से बहुत प्यार है। अब चिटांडा होतारो से पूछती है कि उसने अपने सेकेंड ईयर में क्या लिया है, लिटरेचर या फिर साइंस? होतारो ने लिटरेचर लिया है, मगर चिटांडा ने साइंस लिया है। वो अपने डिसीजन को लेकर कोई रिग्रेट महसूस नहीं करती है, क्योंकि चिटांडा परिवार की लड़की होने के नाते उसका कुछ फ़र्ज बनता है। साइंस लेकर उसे आगे दो रास्ते दिख रहे हैं। पहला है, वो कुछ नया प्रोड्यूस कर सकती है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जिससे सबको फ़ायदा होगा। और दूसरा है, वो एक मैनेजर का काम संभाल सकती है ताकि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी रहे और कोई चीज़ वेस्ट ना हो। असल में देखा जाए तो उसे लगता है कि पहला वाला काम उसके लिए ज़्यादा सही है। होतारो को भी लगता है कि वो दूसरे ऑप्शन के लिए सूटेड नहीं है। चिटांडा कहती है, मुझे भी कल्चरल फेस्टिवल के दौरान पता चला कि मैं मैनेजरियल काम के लिए नहीं बनी हूँ। चिटांडा अब रुक जाती है और होतारो उससे देखकर पलटता है, तो वो कहती है, तुम बस इस जगह को ध्यान से देखो, मैं इस जगह से दूर नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर लोग बूढ़े होकर कमज़ोर होते हैं। इस जगह पर ज़मीन और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और तो और ये कोई बहुत खूबसूरत जगह भी नहीं है, मगर फिर भी मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी। थोड़ा चुप रहने के बाद होतारो कहता है, बात रही मैनेजरियल पोस्ट की, तो अगर मैं उसे संभाल लूँ तो कैसा रहेगा? वहाँ का माहौल बदल जाता है, धीरे से हवा चलने लगती है और उस पल की खूबसूरती का जिक्र करना मेरे लिए मुश्किल है, मगर ये सब सिर्फ होतारो की सोच थी। चिटांडा बोलती है, अभी तुम कुछ कह रहे थे ना? होतारो सर घुमाकर कहता है, कुछ नहीं, और वो समझ गया है कि उस रात को सातोशी को कैसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहना सही रहेगा
और बोलता है, लगता है ठंड थोड़ी बढ़ रही है। चिटंडा मुस्कुरा कर कहती है, ये वसंत ऋतु है बेवकूफ़। हवा का झोंका वहाँ के माहौल को पूरी तरह से बदल देता है और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। चिटंडा ये सब देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। होतारो उसे देखकर शर्मा जाता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। कुछ और अत्यंत सुंदर पलों के बाद आखिरी एपिसोड का अंत होता है।